हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी कोडिंग करना चाहते हैं? सी लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, HTML, जावा स्क्रिप्ट जैसे कोडिंग आप भी करना चाहते हैं, लेकिन आप परेशान हैं कि हम लोग किस तरह का सॉफ्टवेयर का यूज करें। दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग अगर सी यूज कर रहे हो, जावा यूज कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो या HTML यूज कर रहे हो, सारे के लिए दोस्तों सॉफ्टवेयर आपको अलग अलग यूज करना होता होगा, या तो आप किसी एक दो सॉफ्टवेयर में यूज करते होंगे। दोस्तों, आपको इतना झंझट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें कि आप एक ही सॉफ्टवेयर में कई सारे सी प्लस प्लस, जावा, HTML, जावास्क्रिप्ट, JS जैसे सारे आप कोडिंग उसमें कर सकते हो। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है रिप्लिट। दोस्तों, इसको आपको किस तरह से सेटअप करना है अपने लैपटॉप में और किस तरह से आप इसमें कोडिंग कर सकते हो। और भी दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है, तो भी दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इस सॉफ्टवेयर में आप मोबाइल से भी कोडिंग कर सकते हो। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसको किस तरह से हम लोग को इंस्टॉल करना है, किससे किस तरह से इसमें लॉगिन करना है, सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्किप। दोस्तों, आपको आ जाना है कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, आपको यहाँ आके खोलना है गूगल। जैसे ही आप गूगल खोलोगे तो आपको यहाँ पर लिखना है रिप्लिट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको रिप्लिट बिल्डर सॉफ्टवेयर फास्टर करके खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, ये फर्स्ट वेबसाइट है जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपको ये बिल्ड सॉफ्टवेयर फास्टर दिख जाएगा। आपको यहाँ के नीचे आपको दिखेगा साइन अप टू फ्री एंड गेट अ बिजनेस डेमो। दोस्तों, आपको बिजनेस डेमो पर नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा चार्ज किया जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ से गेट फॉर फ्री कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन। दोस्तों, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास ऑप्शन आ चुका है कि अपना यूजर नेम या पासवर्ड देके, ईमेल देके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। नहीं तो आप अपने गूगल से, गिटहब से, फेसबुक से, मैक ओएस से कंटिन्यू आप कर सकते हो। दोस्तों, आपको कहाँ से करना है वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं अपना गिटहब अकाउंट से कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना गिटहब अकाउंट बनाया हूँ। अगर आप अपना गिटहब अकाउंट नहीं बनाए हैं तो आप अपना गूगल से कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ गिटहब से। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो ये खुल रहा है। थोड़ा तो सा टाइम लगेगा दोस्तों ये खुलने में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे खुलकर आ चुका है मेरा गिटहब अकाउंट से ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा गिटहब अकाउंट से लॉगिन हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारा चीज़ खुलकर आ चुका है। आप लोग नीचे देखोगे कि मैंने एक रिपोजिटरी बना रखा था सीताराम करके, वो ये है रिपीट पे। HTML, CSS, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपको इसमें किस चीज़ में कोडिंग करना है, आपको यहाँ पे क्रिएट पर जाइएगा। क्रिएट रिपल पे आप लोग यहाँ पे जाकर ये सिलेक्ट करिएगा कि आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर में कोडिंग करना है। आपको यहाँ पर ही शो कर देगा। आपको यहाँ पे जाकर सिंपली सर्च करिए सी प्लस प्लस। मैं दोस्तों सी प्लस प्लस में करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस लिख रहा हूँ। और देख सकते हो सी प्लस प्लस यहाँ पे ये यह हो गया। यहाँ पे दोस्तों आपको टाइटल लिखना होता है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको अपना टाइटल लिखना है, यानी कि आप किस कौन सा फाइल बनाना चाहते हैं, टाइटल लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एस आर मिथ मैंने लिख दिया। दोस्तों, मैंने इसको टाइटल में लिख दिया है। अब इसको मैं क्रिएट रिप्लिट पे क्लिक करूँगा, क्रिएट रिपेल पे। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये क्लिक करोगे, आपको इस तरह का डैशबोर्ड आपको खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ही आप कोडिंग करना शुरू कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों पहले से ही कुछ कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है, मैं आपको दिखाने के लिए इसे रन करके दिखा देता हूँ कि ये रन होता है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर सिंपली रन का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, आपको हेलो वर्ल्ड का शो कर देगा बगल में। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है यहाँ पर। दोस्तों, ये कोड है। दोस्तों, इस तरह का आप लोग अगर मोबाइल में भी करना चाहते हो तो मोबाइल में भी सिंपली आपको सिंपल क्रोम पे जाना है। क्रोम पे करने के बाद इसको लिंक पे लॉगिन करना है क्लिक करके। फिर दोस्तों, आप भी मोबाइल में डाउनलोड इसे
कोडिंग कर सकते हो। दोस्तों आपको इसको अगर डैशबोर्ड पे लाना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा डाउनलोड का, यहाँ वाले आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपको डैशबोर्ड पे आ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।